हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड ब्लू हेवन कॉस्मेटिक्स की जो लूज पाउडर है उसकी मैं आज कंपेयर वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों लगभग मैं इसे 3-4 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड ये जो प्रोडक्ट है इसके विषय में मैं आपको अच्छी तरीके से बोल सकती हूँ कि आपको कौन सा लेना चाहिए या तो फिर आपको कौन सा नहीं लेना चाहिए एंड इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। मैं इसके विषय में आपके साथ आज खुल के बात करने वाली हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया है एंड मैं समझ चुकी हूँ कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से नहीं करेगा। सो इसी विषय में मैं आज आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स की लूज पाउडर की एंड मुझे पर्सनली लूज पाउडर बहुत अच्छे लगते हैं एंड अभी गर्मी के सीज़न आ रहे हैं तो गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा देर लड़कियाँ लूज पाउडर ही यूज़ करते हैं। अगर आप बैग में कैरी करना चाहते हैं तो ही आप कॉम्पैक्ट पाउडर कैरी कर सकते हैं, लेकिन लूज पाउडर से आपका जो मेकअप का जो मतलब बेकिंग होता है वो अच्छी तरीके से हो जाता है एंड लूज पाउडर बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी होता है। तो लूज पाउडर इस्तेमाल करने से आपकी जो मेकअप है वो अच्छी तरीके से लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो इसी वजह से मुझे लूज पाउडर बहुत अच्छे लगते हैं एंड ये चलता भी बहुत दिन तक है एंड मैंने दोनों को एक ही टाइम पर लिया था एंड मैंने एक ही टाइम से इसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड बात करते हैं इनसाइड की लूज पाउडर की। तो ये जो लूज पाउडर है इसका पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का कुछ मतलब इसी शेप में है जो कि बड़े बड़े ब्रांड पे आते हैं, ओडा ब्यूटी में आते हैं इस तरीके का शेप एंड बॉक्स टाइप का एंड मेबिलिन पे आता है तो वैसा ही इसका शेप है एंड ब्लैक कलर का है। HD फ्लॉलेस मैट फिनिश पाउडर है, ये बहुत ही अच्छा पाउडर है ये दोस्तों एंड ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है आपकी पाउडर की जार से। इसका इस तरीके से मतलब देख सकते हैं आप, पाउडर भी ओपन हो गया एंड इस तरीके से इसका एक कंटेनर टाइप का एक ढक्कन है एंड ये है इसका एप्लीकेटर। सो मैं इस एप्लीकेटर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे पास जो ब्रश है उससे ही मैं यूज़ करती हूँ एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा छोटा छोटा सा एक मतलब छेद किया गया है जिससे आप प्रोडक्ट को निकल सकते हैं एंड आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो बात करते हैं इस पाउडर की। तो ये जो पाउडर है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट पाउडर है। इसे आप अगर अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप खुले स्किन पे से अप्लाई कर रहे हैं बिना बीबी क्रीम के, बिना सीसी क्रीम के, बिना फाउंडेशन के, बिना पैनस्टिक पैनकेक के अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी कवरेज नहीं देगा। अगर आप इसे मेकअप के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एंड उसे सेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ये आपको फिनिशिंग देगा, आपकी मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग करेगा। बहुत ही अच्छा लाइट वेट फार्मूला के साथ ये आता है एंड इसका जो टेक्सचर है ये बहुत अच्छा, मतलब एक येलो कलर का इसका पाउडर का टेक्सचर है। जस्ट आप देख सकते हैं ये है इसका पाउडर का टेक्सचर एंड मैं आपको इसे अपनी हैंड पे भी इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। आप जस्ट देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से ब्लेंड हो जाता है एंड इसे आप अपने स्किन पे कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या तो फिर आप फाउंडेशन के ऊपर अगर आप अच्छा सा कोई पाउडर चाहते हैं जो आपकी मेकअप को बहुत अच्छी तरीके से लॉन्ग लास्टिंग कर दे, आपकी मेकअप को एकदम ही केकी ना बनाए, एकदम बेकिंग करने के बाद ये तुरंत मतलब आप जब डस्ट अप करोगे तो ये हट जाए एंड आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग कर दे, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इनसाइड का ये पाउडर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मेरा जो शेड है वो है लाइट एंड ये 11 लाइट इसका शेड नंबर है। बहुत 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 फेवरेट प्रोडक्ट है ये मेरी, मैंने इसे बहुत इस्तेमाल कर लिया है लेकिन ये जब मैं
कोई भी मॉइस्चराइज की मॉइस्चराइज करके मैं जब इसे अप्लाई करती हूँ तो ये तो मेरी फेस पे एक मैटिफाइन लुक देता है लेकिन एक कवरेज नहीं देता है, जो कवरेज आपको देगा ब्लू हेवन की पाउडर पे। एंड ब्लू हेवन का जो ये लूज पाउडर है, ये एक फिनिशिंग लूज पाउडर है, फ्लॉलेस इसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये आपको बहुत अच्छी तरीके से एक कवरेज देगा, एक टिंट देगा आपकी चेहरे पे, जो आप बिना मेकअप किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। एंड इसका कलर आप देख सकते हैं, योलोइश कलर पे ये आता है, इस पर बहुत ज़्यादा वेरिएंट आता है, जो कि आप बिना मेकअप किए भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे बिना मेकअप किए ही इस्तेमाल करती हूँ सबसे ज़्यादा। मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लिया अपने फेस पे एंड उसके बाद ही मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, कर लेती हूँ एंड मैं निकल जाती हूँ। सो आप इसका कवरेज देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का कवरेज पे आता है। एंड इसे आप अगर इस तरीके से ब्लेंड कर देते हो तो ये कुछ इस तरीके का लुक देता है। आप जस्ट डिफरेंट देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा सा एक टिंट इसने दिया है। एंड मॉइस्चराइज करने के बाद अगर आप इसे थोड़ा सा पफ में लेके, ब्रश में लेके अगर आप इसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको उतना मेकअप की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप डेली बेसिस में एक ही प्रोडक्ट चाहते हैं जो आपकी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कर दे एंड आपका एक थोड़ा सा टिंट आपकी स्किन पे दे दे एंड आपकी जो डार्क सर्कल है उसे भी हाइड कर दे, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, ब्लू हेवन की लूज पाउडर अफोर्डेबल रेंज पे, जो कि आपको मैक पे, मेबिलिन पे या तो फिर काफ़ी सारे ब्रांड पे मिलेगा। थोड़ा सा महंगा होता है एंड 500-600 के आसपास कॉम्पैक्ट या तो फिर लूज पाउडर आपको मिलता है, जो आप इस्तेमाल करते हो तो आपको कवरेज मिलता है। अगर आप थोड़ा सा कम बजट पे एक अच्छा सा लूज पाउडर चाहते हैं जो आपको थोड़ा सा कवरेज दे दे एंड उसके बाद आप थोड़ा सा लिपस्टिक काजल लगा के आप जा सकते हो कहीं भी, तो आप इस टाइप का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे बिना मेकअप के यूज़ कर लेती हूँ, जहाँ पे आपको इनसाइड का जो लूज पाउडर है ये आपको मेकअप करके ही यूज़ करना है। अगर आपको टिंट उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, पाउडर पाउडर टाइप का अगर आपको काम करना चाहिए तो आप बिना मेकअप के ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट है, तो पाउडर में तो दोनों ही बेस्ट है, दोनों का प्राइस ही बेस्ट है। ये है 120 का ये आता है, ये भी 125 का आता है, दोनों ही बजट पे है एंड इसे टीनेजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टीनेजर्स भी परचेस कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि एक महीने में ये ख़त्म हो जाएगा, 6-7 महीने तक ये इजीली चल जाता है। हम लोग प्रोफेशनल मेकअप करते हैं तो इसी वजह से ज़्यादा यूज़ होता है, आप लोग तो कभी कभी यूज़ करोगे तो यूज़ हो ही जाता है। एंड दोनों ही अच्छा प्रोडक्ट है। एंड अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप बोलोगे कि पाउडर से ही मैं मेकअप करना चाहती हूँ, बीबी क्रीम सीसी क्रीम कुछ अप्लाई नहीं करना चाहती डेली बेसिस पे, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ब्लू हेवन का ट्राई कीजिए। एंड अगर आपको कोई ब्राइडल पर्पस मेकअप करना है, कहीं पार्टी मेकअप करना है, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको अपना मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए कोई पाउडर चाहिए, तो आप इनसाइड का ले सकती हैं। मैं आपको बोलूँगी कि आप दोनों ही ले लो, क्योंकि बजट पे है, अफोर्डेबल है एंड दोनों ही काम बढ़िया करते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड दोनों का ऐसा तो नहीं है कि दोनों का कंपेयर वीडियो कर रहे हैं तो एक खराब बोलेंगे एक सही बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है, दोनों ही सही है। इसी वजह से मैं इतनी दिनों तक मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ एंड अगर मैं दोनों की ही तारीफ करूँगी तो बेस्ट 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 प्रोडक्ट है कम प्राइस में। एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगता है वो है ब्लू हेवन का पाउडर, क्योंकि ये बिना मेकअप के भी ये मुझे कवरेज दे देता है। एंड अगर मैं मेकअप करने बैठ रही हूँ तो मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ इनसाइड का, डैट्स इट, बस मुझे इतना ही आपको कहना था। एंड दोनों ही बेस्ट है, आप दोनों ही ले सकते हैं, दोनों ही बजट में है एंड दोनों ही आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा, पर्पल पे मिल जाएगा, नायका पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड मैं दोनों ही पर्पल से लिया था। सो बस मुझे आपको इतना ही कहना था दोस्तों। एंड मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो
तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास इजीली पहुंच सके। एंड मैं मिलती हूँ आपके साथ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एंड मेरी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो, मैं आप लोगों की क्वेश्चन की जवाब देती हूँ। एंड अगर आपको कुछ जानना है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। सो दोनों ही बेस्ट है, आप दोनों ही ले सकते हैं। सो बाय बाय।